बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैन अ सेंट्रीपिटल फोर्स एवर डू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन। हमें कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर क्या कर ले, वर्क कर ले। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊँगा, ये एक सर्कल है, ठीक है। आप सबको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में लगता है, और सर्कल में किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ ए कॉस ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू एफ ए कॉस ऑफ थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 90। तो W इज इक्वल टू एफ ए कॉस 90 किस चीज़ के बराबर है, 0 के। तो W इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो रीजंस है। एक रीज़न तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। इसी वजह से cos 90 जीरो के बराबर है, तो वर्क भी किस चीज़ के बराबर होगा, 0। और दूसरा उसका रीज़न ये है कि जब भी एक बॉडी एक क्लोज पाथ में मोशन करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के बराबर होता है, 0। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है तो वर्क भी किस चीज़ के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट व्हेन इट पेनेट्रेट इनटू अ सैंड बैग। हमें कह रहे हैं कि अगर ये रेत का एक बैग है और यहाँ पे एक बुलेट है, और ये बुलेट जो है इसके साथ काइनेटिक एनर्जी है, फिर इसके बाद ये इस सैंड बैग के साथ टकरा जाती है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो बुलेट है इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चली जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे कि जब एक बुलेट जो है उसके पास तो पहले काइनेटिक एनर्जी होती है, जब ये बुलेट इस सैंड बैग के साथ टकराती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जब इसके साथ टकराती है तो ये यूज होती है अगेंस्ट द रिजिस्टिव फोर्सेस, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ सैंड। इस रेत में फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब ये बुलेट उसके साथ टकराती है तो इस बुलेट की कुछ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट होती है, कुछ जब ये इसके साथ टकराती है तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करती है, कुछ किस्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड में, ठीक है। तो इस तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। कुछ जो है ये इसमें एक निशान करती है, इसमें एक होल प्रोड्यूस करती है, कुछ जो है वो डेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट डेंट्स में, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से यूज होती है, कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में। A meteor enter into Earth atmosphere and burns. What happened to its kinetic energy? हमें कह रहे हैं कि एक मेटियर है, मेटियर वो टूटता हुआ तारा है, ये फर्ज करें कि हमारी एटमोसफेयर है और यहाँ पे आपके पास मेटियर है। हमें कह रहे हैं कि ये मेटियर जब हमारी एटमोसफेयर में एंटर होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है। तो याद रखें, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन अ मेटियर एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन को हार्ड बोर्ड में 4 से 5 दफा आया है पेपर में, व्हेन अ मेटियर एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब ये मेटियर हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट में, वो कन्वर्ट होती है साउंड में, वो कन्वर्ट होती है लाइट में। पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, ये जो मेटियर है ये उनके साथ टकराता है, कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट करता है, कुछ साउंड में कन्वर्ट करता है, और कुछ किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बुलेट्स आर फायर्ड एट द सेम टाइम विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। 2 बुलेट्स है, ये बुलेट नंबर 1 है B1, ये बुलेट नंबर 2 है B2, दोनों को हमने फायर किया है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। पहले बुलेट का मास है M1, दूसरे का मास है M2, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि इफ़ वन बुलेट हैज़ ट्वाइस द मास ऑफ अदर,
फर्ज करें अगर ये जो पहला बुलेट है इसका मास इस दूसरे के मुकाबले में डबल हो, क्या हो? डबल हो, तो आप मुझे बताएं कि इसमें स्पीड किसका ज्यादा होगा और वर्क कौन ज्यादा करेगा। तो हम पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 m1 v1 square और इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 v2 square। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जो m1 है ये सेकेंड के मुकाबले में डबल है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, m1 की जगह पे 2m2 लिखूँगा। m1 बराबर है 2m2 के, 2m2 का मतलब क्या है कि m1 सेकेंड के मुकाबले में डबल है, क्या है? डबल है। तो ये 1/2 इसके साथ कैंसल, m2 इसके साथ कैंसल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा v2 square is equal to 2 into v1 square। तो इसके ऊपर अंडर रूट ले लें, v2 square is equal to के अंडर रूट 2 into v1 square, ये और ये कैंसल, तो v2 is equal to अंडर रूट 2 जो है वो बराबर है 1.4 into v1। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंड बॉडी है इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो सेकेंड बुलेट है इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर सेकेंड बुलेट की स्पीड ज़्यादा है तो सेकेंड बुलेट जो है वो वर्क भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। इसके बाद है किन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट रिमेन एट द सेम एलिमेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ हो लेकिन हाइट क्या हो, सेम हो? तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ़र्ज करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ग्राउंड से सर्टन हाइट एच पे जो है रखा है, तो इसकी इसी हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं ग्राउंड से लेकर यहाँ तक, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक, ग्राउंड को मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से चेक कर लूँ, तो ग्राउंड के मुताबिक हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल इसी सरफेस को ले लूँ जिसके ऊपर मैंने रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के साथ इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो क्या है, ज़ीरो है। अगर इसका हाइट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है एम जी, एच की जगह पे जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि यस एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम एलिवेशन, एलिवेशन हाइट को कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सर्टन हाइट एच फ्रॉम अ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, बट इफ यू टेक द रेफरेंस पॉइंट द सर्फेस देन विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अब इसके बाद है 6, व्हाई डू रोड्स लीडिंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन वेंट बैक एंड फोर्थ। आपको कह रहे हैं कि अगर ये पहाड़ है फर्ज करें, तो इस पहाड़ तक जो रोड्स जाती है वो इस तरीके से वेंट बैक एंड फोर्थ होती हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि अगर मैं इस पहाड़ तक एक रोड बनाऊँ बिल्कुल स्ट्रेट, ये पहाड़ तो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस गाड़ी के ऊपर लगती है ये इसको नीचे की तरफ क्या करेगी, पुश करेगी, तो फिर गाड़ी के टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स और गाड़ी का जो अप्लाइड फोर्स है वो शायद कैपेबल ना हो कि गाड़ी ऊपर चली जाए, मे बी ये गाड़ी नीचे जो है वो क्या हो जाए, फॉल हो जाए, ये गिर जाए। अब इस गाड़ी को सेफ ड्राइव करने के लिए पहाड़ के जो चोटी है वहाँ तक हम क्या करते हैं कि मोड़ जो है इस रोड में मोड़ देते हैं। मोड़ में फिर क्या चीज़ होती है कि मोड़ में उसको सेंट्रीपेटल फोर्स भी प्रोवाइड हो जाती है, फ्रिक्शन फोर्स भी होती है रोड और टायर्स के बीच में, और अप्लाइड फोर्स भी होती है इंजन की। तो फिर ये तीनों फोर्सेस मिलकर उस गाड़ी के जो गाड़ी के ऊपर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको क्या करती है, बैलेंस करती है, तो फिर गाड़ी जो है वो सेफली पहाड़ के टॉप तक हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ये जो दूसरा स्ट्रेट रोड है ये थोड़ा रिस्की है, और ये जो विंड बैक एंड फोर्थ है ये थोड़ा क्या है, सेफ है, क्योंकि उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स भी प्रोवाइड होती है।
Which would have greater effect on kinetic energy of an object doubling the mass or doubling the velocity? हमें कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस एक बॉडी का मास डबल कर लूं या एक बॉडी का वेलासिटी डबल कर लूं तो किसका इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आपने उसको सिंपल समझाना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलासिटी के। अगर मैं वेलासिटी को डबल कर लूं तो 2 को आप इस तरीके से कर ले, देखिए 2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपके पास 4v स्क्वायर है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे कि v के ऊपर स्क्वायर है, इसी वजह से अगर मैं वेलासिटी को डबल कर लूँ तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रिपल बाय वर्क फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हमें कह रहे हैं कि अगर हम एक पार्टिकल का स्पीड जो है वो ट्रिपल कर ले तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 1/2 अमाउंट वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी की जगह पे 3v का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम 3 9v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 9 दफ़ा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द मोटर ऑफ ए क्रेन यूज पावर पी टू लिफ्ट अ स्टील बीम, हमें कह रहे हैं कि एक मोटर है, ठीक है, कोई मशीन है वो इस तरीके से एक स्टील बीम है उसको ऊपर लेके जा रही है, ये एक स्टील बीम है इसको ऊपर लेके जा रही है, इसके ऊपर जो पावर लगा रही है वो पी है, क्या है, पी है। बाय व्हाट फैक्टर मस्ट द मोटर पावर इंक्रीजेस टू लिफ्ट द बीम ट्वाइस एज हाई इन हाफ टाइम, आप मुझे बताएं कि ईच मोटर इंक्रीज इट्स इंक्रीज टू लिफ्ट इट्स बीम ट्वाइस, कि ये इसको हाइट जो है उसको डबल हाइट तक पहुंचाए और टाइम क्या ले ले, हाफ ले ले, क्या ले ले, टाइम हाफ ले ले और हाइट जो है वो क्या कर ले, डबल कर ले। तो बाय व्हाट फैक्टर इट्स पावर शुड बी इंक्रीजेस, तो आप यहां पे लिखे पी इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय 2, पी इज इक्वल टू एम जी, हाइट को कितना कर ले डबल और टाइम को क्या कर ले हाफ, तो पी इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, टू 2 आर 4 एम जी एच डिवाइडेड बाई टी, तो पी इज इक्वल टू 4, इसकी जगह पे क्या लगाओ फी। अगर मैं पावर को 4 टाइम इंक्रीज कर लूँ तो फिर ये हाफ टाइम में डबल हाइट क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है।